हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे NVS मतलब कि नवोदय विद्यालय समिति में नई भर्ती आई हुई है। और मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, और रिक्वेस्ट ये है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो को पूरा इसलिए देखना है क्योंकि ये जो वैकेंसी है, इसके पहले आपको ऐसी वैकेंसी की अप्लाई करने के लिए कभी मौका नहीं मिला होगा, कभी नहीं। इतनी खूबसूरत वैकेंसी आई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्वालिफिकेशन योग्यता में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और एक बात और बता दूँ आपको कि ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, गवर्नमेंट वैकेंसी है, ना कि कोई सुविधा भर्ती है, ऐसी कुछ भी नहीं है, ये गवर्नमेंट वैकेंसी है बिल्कुल। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन से पोस्ट है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं आपको इसमें यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, और इसके बाद मैं आपको ले जाने वाला हूँ कहाँ पर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर में, ठीक है। विभाग का नाम देख पा रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति। तो एक बात और बता दी जाए आपको कि पूरे भारत के सभी राज्यों वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम सिटीज़ की मैं बात करूं तो प्रत्येक राज्य में इसकी एग्ज़ाम सिटीज़ दी गई है। और एग्ज़ाम जो है आपकी 9 मार्च 2022 से स्टार्ट हो जाएगी, 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च, ठीक है, 3 दिन। और बात करें हम इसकी अप्लाई के लिए कैसे करेंगे, तो अब बिल्कुल इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 12 जनवरी से ही स्टार्ट हो गए हैं इसके लिए, और 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। पद आपके सामने में दिए हैं, और भी अन्य पद हैं, मल्टीटास्किंग, मैस हेल्पर, लेबर अटेंडेंट, महिला स्टाफ नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, और भी अन्य पद हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेनोग्राफर के लिए भी है। क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसमें लगभग 1925 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, 10 फरवरी लास्ट डेट है इसकी। बात करें हम इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करें हम किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी और क्या सैलरी है, ये सब कुछ आपके सामने है। लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब आपको दिख रहा है, वीडियो को पुश करके भी आप देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा दूँगा, ठीक है। बात करें हम किसकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर ले जाने वाला हूँ, वहाँ पर और भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पता चल जाएगी। एज लिमिट देख पा रहे हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास क्वालिफिकेशन और 18 से 30 वर्ष आपको क्या लगेगा एज आपकी। मेस हेल्पर के लिए 10वीं पास, और एज लिमिट देख पा रहे हैं। लेब अटेंडेंट के लिए देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर के लिए मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन के साथ अनुभव होती है। एक ही एक ऐसी पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर जिसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, बाकी किसी के लिए भी अनुभव या एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। महिला स्टाफ नर्स 12वीं पास के साथ में डिग्री डिप्लोमा होने चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जूनियर सिविल इंजीनियर की बात करें तो इसमें सिविल इंजीनियर की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात करें तो 12वीं पास के साथ में ये 12वीं के शॉर्ट हैंड स्पीड के साथ में ये 12वीं पास के साथ में शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट और साथ में इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट चाहिए। इसके लिए लिमिट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो किसी भी अगर से विषय से ग्रेजुएशन है और साथ में अगर से एक वर्ष डिप्लोमा बोला है कंप्यूटर डिप्लोमा, तो उसका मतलब कि DCA या PGDCA है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। जूनियर सचिवालय की बात करें 12वीं पास इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए साथ में। इंग्लिश ये इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर के साथ 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष इसकी एज लिमिट होगी, 18 मिनिमम और 40 वर्ष मैक्सिमम। इसमें आयु में छूट भी आपको दी गई है। अगर से मैं बात करूँ SC ST और दिव्यांग की, तो SC ST और दिव्यांग को यहाँ पर ओनली SC और ST की बात करूँ तो उन्हें 5 वर्षों की छूट दी गई है। और OBC की बात की जाए तो OBC वालों को 3 वर्षों की छूट दी गई है, ठीक है। बात करें हम फीस की, तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो फीस है वो 1500 रुपये होगी। लेब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग अर्थात MTS के लिए जो फीस होगी वो 750 रुपये होगी। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए फीस होगी 1200 रुपये, और अन्य और भी पद दिए हैं स्टेनोग्राफर वगैरह जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसके लिए फीस 1000 रुपये होगी। और बात करें हम SC ST और दिव्यांग के लिए, तो इनके लिए जो फीस होगी वो होगी 0, ठीक है। फॉर्म आपके स्टार्ट 12 जनवरी से हो चुके हैं, ठीक है। अंतिम तिथि इसकी 12 फरवरी है, और परीक्षा की जो डेट है वो 9 से 11 मार्च 2022 है। मैं ले चल रहा हूँ आपको कहाँ पर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार की अपडेट्स आसानी के साथ में प्राप्त हो सके। और यहाँ पर हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर में। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना बेहतरीन मौका और इतना सुनहरा अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर से आप 8वीं पास 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएशन पास पोस्ट ग्रेजुएशन पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है।
अब मैं ले चल रहा हूँ आपको, ये जो पीडीएफ है आप देख पा रहे हो 31 पेज की है। ये जो पीडीएफ है आपको डिटेल्स में देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम में जाकर के एग्ज़ाम फेवरेट सर्च कीजिए, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, उस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की वीडियो की लिंक, ठीक है, अप्लाई करने के लिए लिंक और साथ में नोटिफिकेशन वगैरह की पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है, ठीक है। और बात करें, मैं इस पीडीएफ में आपको केवल इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, क्योंकि अगर से एक एक चीज़ बताऊँ आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो बन जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें, ग्रुप ए के अंतर्गत पोस्ट कोड 01 है इसका। पोस्ट कोड 01 का मतलब कि जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय में एक या एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो पोस्ट कोड 01, पोस्ट कोड 03, पोस्ट कोड 09, पोस्ट कोड 05, इस प्रकार से आप वहाँ पर पोस्ट कोड डालेंगे। तो पोस्ट कोड 01 डालेंगे वहाँ पे, तो उसका मतलब होगा कि असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए टोटल 3 पोस्ट है, ए 5 पोस्ट है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और जनरल में 3, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर सबको सभी प्रकार की पोस्ट को डिवाइड किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन ग्रुप ए के अंतर्गत 0 कोड 2, ठीक है। फीमेल स्टाफ नर्स, ठीक है, 0 कोड 3। वेकेंसी भी नीचे में देख पा रहे होंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी के अंतर्गत इसका कोड है, पोस्ट कोड है 04। एडिट असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी के अंतर्गत। बात करें जूनियर इंजीनियर, जूनियर सिविल इंजीनियर बोला जाए, ग्रुप सी के अंतर्गत, पोस्ट कोड 7। टोटल पोस्ट इसमें दी गई है 1। स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट 22 दी गई है। बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसमें टोटल पोस्ट 4 दी गई है। कैटरिंग असिस्टेंट की बात करें, इसमें टोटल 87 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ये इस प्रकार से पूरी पोस्ट दी गई है, डिवाइड की गई है, ठीक है। एक कम प्लम्बर के लिए 273 पोस्ट है, ठीक है। बात करें हम इसकी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, तो इसमें 622 पोस्ट है, ठीक है। लेबर अटेंडेंट इसके लिए 142 पोस्ट दी गई है। मेस हेल्पर के लिए 629 पोस्ट दी है। मल्टीटास्किंग के लिए 23 पोस्ट दी है। इस प्रकार से पोस्ट यहाँ पर दी गई है। और ये जो आपको दिख रहा है पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये सब कुछ मैंने आपको पहले ही शॉर्ट में बता रहा था, मैंने आपको वहाँ पर बता चुका है, ठीक है। 45 वर्ष, सैलरी, ठीक है, पे लेवल, पे मैट्रिक्स, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, ये मैंने सब बता दिया है। यहाँ पर एक एक पोस्ट के लिए यहाँ पर बताया गया है, तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप फिर भी देखना चाहे तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप देख पाएंगे। अब बात करेंगे हम एज रिलेक्शन की, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष छूट मिलेगी, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, इस प्रकार से आपको छूट मिलेगी, ठीक है। और भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इस हिसाब से मिलेगी। पर्सनल ऑफ डिसेबिलिटी, दिव्यांग के लिए अगर से एससी एसटी से है तो 15 वर्ष की छूट मिलेगी, ओबीसी से दिव्यांग है तो 13 वर्ष की छूट मिलेगी, और जनरल कैटेगरी से है और दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी अप्लाई कर सकें, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर आपकी CBT 1 एग्ज़ाम होनी है, और मैं आपको यहाँ पर आपको सेंटर भी बताने वाला हूँ। तो देखिए, नेम ऑफ द सिटीज़, इन सिटियों में आपके एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तिरुपति, हिसार, अंबाला, सोलम, जम्मू, और हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर। 5 सिटीज़ ऐसी है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पर आप सेंटर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे मिला के अगर ऐसी बात करें तो हमारे भारत के सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चेन्नई, देख पा रहे हैं ना आप सब कुछ, यहाँ पर भारत के सभी राज्यों में इसके लिए एग्ज़ाम सिटीज़, मतलब एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और ये दिए हैं आपके, क्या मैंने फीस आपको बता दिया है, ठीक है, पहले ही बता दिया। अगर से आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अगर से अप्लाई करते हैं पोस्ट कोड 01 के लिए, इसके लिए देखिए आप यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है इस प्रकार से, रीजनिंग लैंग्वेज में इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दी हुई है, जनरल अवेयरनेस दिया है जो कि 20 अंकों का होगा, और 50 अंकों का जो है वो इस प्रकार से दिया है, और बाकी का 50 अंकों का ये आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस, मतलब कि लोक प्रशासन, ठीक है। ऐसा 150 प्रश्न आएंगे 150 अंकों के, इसके लिए जो समय होगा वो 3 घंटे का होगा। और एक बात बता दी जाए कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस दिया गया है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम देखें फीमेल स्टाफ नर्स की हम बात करें तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे टोटल यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 120 क्वेश्चन दिए हैं 120 अंकों के, ठीक है। इनके लिए टाइम है 2, यहाँ पर देख पा रहे हैं 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा इसमें, ठीक है। इस प्रकार से सब डिवाइड किया गया है, आप ये देख लीजिएगा। और कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो मैं आपको बता दूँ,
बाकी अगर से फिर भी आपको कोई डाउट्स बच जाते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल उसका आपको जवाब मिलेगा, और जवाब उसी का मिलेगा जिसका क्वेश्चन सही हो। ठीक है, कुछ भी पूछते हैं यार कई लोग, बहुत से लोग होते हैं जो कुछ भी पूछेंगे, काम की चीज़ भी पूछेंगे आप, हमको लगेगा कि बिल्कुल इसका जवाब देना चाहिए, बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा उसका। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये वेबसाइट दी है, अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NVS मतलब नवोदय विद्यालय समिति वेबसाइट एट www.navoday.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो ये फीस आपको दी गई है मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, फीस के बारे में पहले ही बता दिया, और SC ST को यहाँ पर फीस नहीं लगेगी, यहाँ पर दिया हुआ है नो एप्लीकेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST या फिर PH, ये पहले मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, इसकी लास्ट डेट मैंने बता दिया, एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 9 मार्च 2022 टू 11 मार्च 2022। ठीक है, और ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पर, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।